हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र चलते फिरते उठते बैठते भीतर बाहर वाणी से निकलता रहे, और मैं कई बार कहता हूं, पुनरावृत्ति कर दूं, हरे राम से आरंभ करेंगे तो ये मंत्र है, और हरे कृष्ण से आरंभ करेंगे तो ये महामंत्र है। हरे राम से आरंभ करेंगे तो आसन चाहिए, पवित्रता चाहिए, नियम चाहिए, मंत्र को जप करने के लिए देह शुद्धि चाहिए। पहले यदि ऐसा कहेंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लेकिन यदि हमने इसको हरे कृष्ण से आरंभ कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र। और महामंत्र के लिए सज्जनों, उठते बैठते चलते फिरते दिन में रात में भीतर बाहर शुद्ध अशुद्ध हर अवस्था में इस महामंत्र का कीर्तन हो, कोई आपत्ति नहीं। महामंत्र, कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है। ¶¶